नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपियों को इस काम के लिए पहले से पैसे दिए गए थे, उन्हें कुछ दिन पहले ही हथियारों की डिलीवरी मिली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पिछले 8 घंटों से आरोपियों से पूछताछ की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात को अंजाम देने की साजिश के पीछे की वजह भी बताई है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। गैंग का दावा है कि वे सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ संबंध थी। बाबा सिद्दीकी का कथित शराफत महज छलावा मात्र है। उनका बीते समय से दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में शामिल होने का भी गवाह है। बिश्नोई गैंग का दावा है कि जो कोई भी सलमान खान और दाऊद के गिरोह की मदद करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गैंग की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर कोई उनके भाई को नुकसान पहुंचाएगा तो वे पलटवार जरूर करेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।